गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पर, और मतलब जो थंबनेल है उस पर पता चल जाएगा आपको आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पिंपल के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि मुहासे, बहुत ज़्यादा मुहासे की प्रॉब्लम है और इसको किस तरह से कम करना है, किस तरह से आपको ठीक कर सकते हो, तो आज मैं इसका सोल्यूशन लाई हूँ। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हैं, लेकिन एक्ने के लिए ये जो मैं आप अभी बता रही हूँ एलोवेरा से, बहुत ही अच्छा है। आपका फेस अगर नहीं भी है आपको ना पिंपल वगैरह, तो भी आपके दाग धब्बे वगैरह भी हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है, डैमेज हो गई है, या फिर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब ग्लो नहीं है आपके फेस पर, तो वो भी ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली ये आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और सच मुच मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसको डेली बेसिस पे कर सकते हो, सुबह में कर सकते हो, शाम में कर सकते हो, दोनों टाइम कर सकते हो, क्योंकि ये इतना अच्छा होम रेमेडी है फ्रेंड्स कि आपको मैं क्या बताऊँ। और मेरा फेस एकदम क्लीन है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, और आप देख सकते हो मेरा फेस बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्लीन लग रहा है, क्लियर लग रहा है, और मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया है और तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छा लग जाए, तो प्लीज लाइक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और आपको बताते हैं क्या करना है। को सबसे पहले आपको एलोवेरा लेना है। इसमें सबसे मेन पॉइंट है एलोवेरा। तो एलोवेरा को इस तरह से दो टुकड़ों में काट लेना है आपको। ये देखिए, ये मैंने इतने सारे काट के रख लिए हैं। और इसके साथ आपको चाहिए हल्दी, तो हल्दी आपको अम्बा हल्दी चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास वो जो गांठ वाली हल्दी होती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो, उसका टुकड़े कर लीजिए, और तो कुछ नहीं करना है, टुकड़े कर सकते हो और इजीली आपके स्किन पर बहुत जल्द से टुकड़े करके फिर अच्छे से पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए उसका, फिर आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और आप जानते हो एलोवेरा कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। एक तो बिल्कुल हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को, और बहुत ज़्यादा मतलब इतना स्मूथ बना देता है आपकी स्किन को, टेक्स्चर एकदम स्मूथ हो जाता है फेस का। तो इस तरह से, और हल्दी आप जानते हो आपकी स्किन के लिए कितनी बेनिफिट है, मतलब बहुत अच्छे से काम करती है स्किन पर। और ये बिल्कुल कूल है, मैंने फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ, और हल्दी में होते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इन्फ्लेमेटरी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके एक्ने पिंपल को रोकती हैं, और अगर हैं तो उनको ट्रीट करती हैं। तो इस तरह से आपको लगाना है। और अभी मेरा फेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लीन है, लेकिन क्या है कि ठंडा लग रहा है मुझे इससे, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको फ्रिज से निकाल के लाई हूँ एलोवेरा को। और आप अगर एलोवेरा को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हो ना इस तरह से कट करके, तो ये मैसी नहीं होता, जैसे कि अभी आप देख रहे हो बिल्कुल नहीं टपक रहा होगा, आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा टप 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 होता है। तो आपको 10 मिनट्स के लिए इस तरह से मसाज करनी है हल्दी के साथ, और आप इसको इस तरह से ही बस इसको लगा के छोड़ दीजिए, सुबह में आपको धोना है। और चलिए 10 मिनट आपको बस इस तरह से मसाज करनी है बिल्कुल ऐसे, और जैसे ही आपका ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो जाए, तो इस तरह से नेल्स के साथ इस तरह से ऐसे कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको, और इस तरह से आप रब करते रहिए अपने फेस पर। अगर आपको नहीं भी है ना कोई भी प्रॉब्लम, तो भी बहुत अच्छा है इसके लिए, अच्छा होगा फेस के लिए। और टीन एज गर्ल है आप, मतलब या फिर आपकी एज हो चुकी है 30 पार है, फिर भी आपको पिंपल्स हो रहे हैं, तो भी टीन एज से ज़्यादा बड़े हैं आप, तो भी अगर आपको हो रहे हैं पिंपल, तो भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो इसको। और ऐसा नहीं है कि छोटे जो हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बॉय हैं गर्ल हैं सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और इसको 10 मिनट्स के लिए आपको ऐसे ही रब करते रहिए ना, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, और इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो चलिए मैं 10 मिनट्स के लिए इस तरह से कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ड्राई होने दीजिएगा, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस आपको सो जाना है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी, मतलब पानी से वॉश करना है, साबुन से नहीं या फेस वॉश से नहीं। तो चलिए मैं 10 मिनट्स के लिए इस तरह से रब कर लूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड, मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है, और थोड़ा सा
अच्छा भी दिख रहा है। इससे आप रेगुलर आप इसको यूज कर करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा और आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हो, दो टाइम यूज कर सकते हो, सुबह में भी शाम में भी। आपके पास टाइम है तो दो टाइम कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक टाइम भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि रात में आपको दिन में लगाना है तो आप वॉश कर सकते हो पानी के साथ, और फिर आप जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हो। क्योंकि अंबा हल्दी जो होती है ना, वो बिल्कुल भी फेस को येलो येलो सा नहीं करती है, एकदम ठीक रखती है। लेकिन हाँ, अपने आपके फेस को ना एक अच्छा सा ब्राइटन अप लुक देगी, मतलब बहुत ब्राइटन अप कर देती है आपकी स्किन को। तो आप इसको ही यूज़ करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप किचन हल्दी यूज़ करते हो ना, तो उसको कलर छोड़ देती है और कलर की वजह से आपकी स्किन पर येलो येलो सा रहेगा, तो डे में वो आप नहीं कर पाओगे। और नाइट में अगर आप करते भी हो वो वाली हल्दी से, किचन हल्दी के साथ, तो आपके जो फेस है ना वो धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि वो अच्छी नहीं होती है वो हल्दी, कलर उसमें होता है ज़्यादातर, तो ऐसे ही आती है। लेकिन अगर आप इसको गांठ वाली हल्दी लेते हो ना, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको वर्क करेगी। और अगर आप ये वाली हल्दी को लेना चाहें तो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगी फ्रेंड, और आप देख सकते हो इसको कुछ भी नहीं करना है। और हाथ में ज़रूर ये दिख रहा है येलो येलो, लेकिन येलो येलो सा इतनी ज़्यादा रहता नहीं है, फेस बिल्कुल भी येलो नहीं दिखेगा आपको। हाँ, हाथ दिख सकता है, तो हाथ आप वॉश कर लीजिए आप साबुन के साथ, या फिर इतना हल्दी तो लग ही जाती है। तो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन कर देता है आपको, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा फर्क देगा। अगर आप लोगों को ये कुछ थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले ना, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ज़्यादा पिंपल है ना आपको, तो ये रेमेडी जो है ना DIY रेमेडी बहुत अच्छी है, आपको सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सूट करेगी, बहुत अच्छे से आपको फेस का कुछ तो कुछ बहुत सारी चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी। आपके पिंपल्स मुहासे जो है एक्ने है तो बिल्कुल से बिल्कुल ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए एकदम से कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है। गर्ल है, बॉय है, या फिर आप थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो भी, जैसे बड़ी एज ग्रुप के हैं आप, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी हार्मफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो यही तक था। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेंबर साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम तो बहुत सारे ही लोगों को होती है, ज़्यादातर लोगों को होती ही है। तो शेयर कर सकते हो फैमिली मेंबर साथ और फ्रेंड्स के साथ। तो और हाँ, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड, तो उसको भी हिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, मुझे आप फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहता है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। और हाँ, और जो भी आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा है। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।